एवं परमाराध्य शिक्षा गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्त विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं परमाराध्य शिक्षा गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्त निकेतन तुरियाश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यही की कृपा प्रार्थना करता हूँ। बहुत विशेष तिथि है, तो क्या है बलदेव जी का आविर्भाव। बलदेव कौन है? बलदेव श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। बलदेव स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण अपने ही सेवा करने के लिए जो अपने आप को विस्तरित किया और जीवों के ऊपर कृपा करके अपने आप को सहज किया वो बलदेव का रूप से किया। बलदेव के रूप में उन्होंने स्वयं को जीव के साथ में अपनी निकटता को वो बनाया। कृष्ण कृपा करके जब जीव को उद्धार करना चाहते हैं वो जो कृष्ण का कृपा ही स्वयं बलदेव के रूप में है, क्योंकि बलदेव के कृपा से ही जीव कृष्ण की तरफ जाता है। श्री कृष्ण को सेवा में, श्री कृष्ण सेवा में जीव को अगर नियोजित करता है कोई, वो बलदेव ही करते हैं। वही बलदेव उन्हीं के विषय में हमारे पूर्वाचार्य भी लिखते हैं, हेना निताये बिने भाये राधा कृष्ण पाइते नाये। नित्यानंद प्रभु के बिना, ये नित्यानंद कौन है? वही बलदेव। बलदेव के बिना कोई श्रीमती राधिका जी का और भगवान श्री कृष्ण का सेवा का उपलब्धि नहीं कर सकता। बलदेव हम लोगों को कृष्ण के साथ में जोड़ते हैं। और ये बलदेव कौन है? वही भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से जो चतुर्व्यूह प्रकाशित होता है उसके अंतर्गत जो सबसे पहला चतुर्व्यूह का जो प्रकाश है वो है मूल संकर्षण। वो मूल संकर्षण ही बलदेव है, स्वयं कृष्ण ही बलदेव है। लेकिन वही कृष्ण सेवा के लिए वही मूल संकर्षण जो कि स्वयं बलदेव व्रज के अंदर श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए ग्वाल रूप में रहते हैं, और वही बलदेव द्वारिका के अंदर क्षत्रिय भाव में रहते हैं। जहां जिस प्रकार की अवस्था में सेवा करने की आवश्यकता है वहां वो अपने स्वरूप को उस रूप से प्रकाशित करते हैं। उद्देश्य क्या है? कृष्ण सेवा। उद्देश्य क्या है? इस जगत के अंदर के जो त्रस्त जीव है उनको श्री कृष्ण उन्मुख करना, उनको श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करना, यही उद्देश्य। और उसके बाद वही मूल संकर्षण से कारणोदक साई विष्णु के रूप में प्रकाशित हो गए। वही श्री कृष्ण, वही मूल संकर्षण ही कारणोदक साई विष्णु से गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रकाशित होते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के लिए आधार स्वरूप बनते हैं। फिर वही आगे चलकर क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में प्रकाशित होते हैं। मतलब जितने रूपों में कृष्ण सेवा के लिए अपने आप को नियुक्त करना है
उतने रूपों में वो वहाँ पर प्रकाशित होते हैं। बाद में शेष के रूप में प्रकाशित होते हैं, वही अनंत के रूप में प्रकाशित भी होते हैं। वो सब विषय में हम ज्यादा जाएंगे। वो एक रूप में भगवान के साथ में रहकर वो जो अनंत देव जी शैया के रूप पर गोविंद विराजमान होते हैं, भगवान विराजमान होते हैं, नारायण शिव साई विष्णु आदि, वो उस रूप में वहां प्रकाशित होते हैं। और शेष के रूप में इस ब्रह्मांड के नीचे में जाकर इस ब्रह्मांड को अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। वही अनंत शेष स्वयं बलदेव और करते क्या है, कृष्ण सेवा। किस रूप से करते हैं, हर प्रकार से करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग आने वाले हर वो वस्तु वास्तविकता में बलदेव तत्व ही होता है। इसलिए करताल भी क्यों ना हो, वो बलदेव है। करताल बलदेव तत्व होते हैं। करताल पीतल का टुकड़ा नहीं है, कांसे का टुकड़ा नहीं है, वो स्वयं बलदेव है। मृदंग बलदेव है। भगवान की सेवा में मैंने पहले भी बतलाया था, मैं अभी भी बताना चाहूंगा। जिन लोगों को मेरे से माला तोहफा में मिला है, वो लोग मेरे सामने मेरे कथा में हरिनाम ना करते, अगर कर रहे हैं तो बंद करें, और टाइम में करें, हरिनाम करना दोष नहीं है, बहुत उत्तम बात है। लेकिन जिस समय मैं कथा कर रहा हूँ और जो लोगों ने मेरे से माला ली है वो लोग नहीं करें। ये हरि कथा के प्रति अपमान है, देने वाले का भी अपमान है। वो तो सिद्ध भूमिका में जो रहते हैं, उत्तम श्रेणी के व्यक्ति, उनके लिए ठीक है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारा तो दिमाग एक है, काम एक है, नाम यंत्र की तरह नहीं होता है, नाम निष्ठा के साथ में होता है। जिस समय हम हरिनाम करते हैं वो नाम हमारे कान में प्रवेश करना होता है। और दूसरा, जब हरि कथा सुन रहे हैं वो भी प्रवेश करना होता है। एक से नाम, एक से कथा ढूंढेगा अंदर। जो भी है, कोई दिल पे ना ले, लेकिन ये नियम है, ऐसा नहीं करना होता है। और कुछ जो विभिन्न प्रकार के रूप में बलदेव जी वहां पर भगवान का सेवा करते हैं। पादुकर बन के करते हैं, वस्त्र बन के करते हैं, शैया बन के करते हैं, हर तरह से वो वहां पर सेवा करते हैं। ना केवल सेवा करते हैं, वो और क्या करते हैं, हर तरह की उनकी क्रिया कृष्ण का आनंद वर्धन के लिए होता है। वो स्वयं कृष्ण होकर के विस्तृत होकर अपनी ही सेवा को करते हुए रहते हैं। वही बलदेव है। और बलदेव हमारे सामने किस रूप से प्रकाशित होते हैं, तो शास्त्र कहते हैं वही बलदेव मूल संकर्षण के रूप में, पुरुषावतारों के रूप में प्रकाशित होते हैं। पुरुषावतार कामोदोत्साही में, शिरोदोत्साही, गर्भोत्साही विष्णु के रूप में प्रकाशित होते हैं। और वही अनंत के रूप में प्रकाशित होते हैं। और वही बलदेव गुरुदेव के रूप में प्रकाशित होते हैं। इसीलिए बलदेव तत्व मतलब वास्तविकता में गुरु तत्व है, बलदेव तत्व मतलब नित्यानंद तत्व है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितमृत के अंदर, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु के स्तुति के अंदर विशेष रूप से इस बात का उल्लेख भी आता है। वो जब श्रीमद् नित्यानंद प्रभु का स्तुति करते हैं वो क्या कहते हैं, संकर्षण कारण दशाई गर्भोदशाई च पयाप्तिशाई शेषस्य यस्यां सकल सा नित्यानंद प्रणामोषः। श्रीमद् नित्यानंद प्रभु ही ये सारे रूपों में, पांच रूपों में सेवा करते हैं।
ये विशेष स्थान है। तो किस लिए करते हैं? श्री कृष्ण ने कहा उस रस को और वर्धित करने के लिए। एक तरफ नित्य श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं और दूसरे रूप में जीवों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं। जैसे गिरिराज जी महाराज एक रूप में स्वयं कृष्ण है और एक रूप में कृष्ण भक्त है। एक रूप में स्वयं गिरिराज है, स्वयं कृष्ण, और एक रूप में हरिदास भक्त, मतलब भगवान के जो दास है, गिरिराज जो है कृष्ण के जो दास है उनमें से श्रेष्ठ है। ऐसे बलदेव जी का काम होता है। वही बलदेव तत्व कृष्ण लीला के अंदर ज्येष्ठ होकर के अवतीर्ण हुआ। इसलिए अवतीर्ण हुआ जब लक्ष्मण जी के रूप में आए थे, जब लक्ष्मण रूप में आए थे वही बलदेव, उस समय उनका शासन भगवान राम पे चला था। वो क्या करते थे? उनका हृदय में भाव था कि राम जी के रहने पर कोई अमंगल नहीं रह सकता। भगवान राम के रहने पर सारे जीव आनंद में है। राम जी का राज्य ही ऐसा है, सारे जीव आनंद में है। अब लक्ष्मण जी का जीवों के प्रति इतना उदार भाव कि वो चाहते थे कि भगवान राम रहे और संपूर्ण जगत के जीव उनका कृपा को प्राप्त करें और अपना उद्धार करते रहे। लेकिन उनका बस नहीं हुआ। कई जगह पर उन्होंने अपनी लीला के अंतर्गत अपनी असमर्थता को स्वीकार करना पड़ा था। इसी आप देखेंगे कृष्ण का एक नाम अमल कृष्ण है। मतलब क्या है? कृष्ण किसी प्रकार के बंधन मर्यादा में किसी चीज में है ही नहीं है और कृष्ण के जो सेवक है वो भी नहीं है। राम जी के जो सखा है वो उनके कंधे पे नहीं चढ़ सकते क्योंकि मर्यादा है, लेकिन कृष्ण के सखा उनके कंधे पे चढ़ सकते क्योंकि कृष्ण का भी कोई मर्यादा नहीं है और उनके सखाओं का भी, उनके भक्तों का भी। वहां क्या है? लीला प्रधान है, वहां पर आनंद प्रधान है, मर्यादा प्रधान नहीं है। वहां पर गौरव भाव नहीं है, वहां विश्रम्भ भाव है। विश्रम्भ भाव एक ऐसा भाव जहां पर सेवक सेवक को आनंद देने का प्रयास रत होते हैं और सेवक सेव्य को आनंद देने का प्रयास रत रहते हैं। दोनों एक दूसरे को आनंद देने के लिए सारी चेष्टाओं को करते हैं। वहां किसी प्रकार का गौरव का कोई स्थान नहीं है। इसलिए कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। अभी यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज उनके साथ 14 वर्ष वनवास के अंदर रहे और उसके बाद उन्होंने उस अवस्था को देखा जहां पर पत्तों के ऊपर शैया बनाकर श्री राम उसके ऊपर विश्राम किया करते थे। ये अपने आप जाकर के अधिक कुछ भी नहीं कर सकते। हृदय में भाव क्योंकि बलदेव है, बलदेव का प्रकाश ही विष्णु तत्व की सेवा के लिए। तो इसीलिए लक्ष्मण जी का आविर्भाव श्री राम की सेवा के लिए हुआ, लेकिन जिस मर्यादा के अंतर्गत उनका अवतरण हुआ वहां पर एक सीमा आ गया है। असीम भाव से वो अपने प्रभु की सेवा नहीं कर पाए, है ना, सीमित मात्रा है। अब जिसका जो करने के लिए आना होता है उसको वो काम करने को ना मिले कितना कष्ट होता है ना। चोरी करना जिसकी इच्छा है, जो चोरी करने के लिए जाता है, बेचारा चोरी ना कर पाए तो उसको कितना कष्ट होता है। वैसे तो बेकार उदाहरण है लेकिन समझ नहीं के। जो किसी के लिए कुछ करना चाहता है
लेकिन ना करने को मिले कितना कष्ट होता है। व्यास देव ने इस जगत के मंगल के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं पाया तो कितना कष्ट हुआ उनके अंदर, इतने ज्यादा दुखी हो गए। वो फिर हाँ हम दे करके उनको पुकारा तो नारद जी महाराज ने आके उनको मार्गदर्शन दे के आगे लेते गए कि जब व्यक्ति जो काम को करना चाहता है वो काम अगर उससे ना हो या उस काम को करके उसकी आत्मसंतुष्टि ना हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। यद्यपि लक्ष्मण जी महाराज ने सेवा किया, वही लक्ष्मण जी वही बलदेव, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। तो इसलिए उन्होंने इच्छा किया कि जब सेवक बनने के लिए आना ही है तो ज्येष्ठ मर कर दिया है तो बड़ा है, इसीलिए वो अगले दिनों में ज्येष्ठ मर कर दिया। कैसे आए, देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया, कौन कराता है, स्वयं कंस। अभी जब कंस उनका विवाह करा के बड़ी प्रसन्नता के साथ आज रक्षाबंधन है, ऐसे भाई कंस जैसे भाई मिल जाए तो फिर बहनों ने बांध लिया राखी को, तो इतना प्यार से उनका विवाह संपन्न करके लेके जा रहा है रथ में कि मैं खुद छोड़ के आऊं। रास्ते में आकाशवाणी हुआ कि मूर्ख जिसको तुम लेके जा रहा है उसी के गर्भ में तुम्हारा काल है। स्वार्थी व्यक्ति ऐसा होता है, उसके स्वार्थ में आघात होने पर सारा प्रेम उसी क्षण समाप्त हो जाता है। उनका प्रेम वही तक है जहां तक उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ जिस समय बीच में आ गया उसी मुहूर्त में समझ लो कि प्रेम समाप्त हो गया वहां पर। अभी ये कंस इतना दुष्ट व्यक्ति, उसके संगी भी ऐसे ही है सारे, बाणासुर जरासंध आदि जो भयंकर लोग हैं वही सब उसके साथी। जैसा संग वैसा ही होता है उसका ढंग और रंग, है ना। कीचड़ में बहुत कुछ खिलता है लेकिन नाम सिर्फ कमल का होता है, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलने के बावजूद भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, बाकी सब कीचड़ से लिप्त होते हैं इसीलिए उनका कोई महत्व तो नहीं रहता है, लेकिन कमल का ऐसा नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति जिस संत और रंग और ढंग के बीच में रहता है उसको अपने ऊपर लेकर के चलता है तो फिर उसके बाद उसका बुद्धि भी विपरीत ही रहता है। कंस अब देवकी को मारने चला, वसुदेव जी महाराज ने रोका और उस समय उनको वचन देते हैं कि देखिए आपको अष्टम गर्भ से डर है, ठीक है हम आठवें गर्भ आपको दे देते हैं, अष्टम गर्भ में जो संतान होगा वो आपको दे देंगे, स्त्री हत्या मत करो आप, मान गया। क्योंकि वसुदेव महाराज कभी भी झूठ नहीं कहते, उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है विशुद्ध है, उनके यहाँ संकल्प विकल्प इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं है, वो बिल्कुल उस अवस्था में है विशुद्ध अवस्था में है, उनका अंदर वो त्रिगुण से प्रभावित अवस्था उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर राजसिक और तामसिक गुणों का प्रभाव है ही नहीं, यहाँ तक कि सात्विक गुण का भी प्रभाव नहीं है, वो त्रिगुणातीत होकर के विशुद्ध भूमिका के अंदर उनका अंतकरण है। इसीलिए उस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति, इसीलिए उनका वचन को कंस ने स्वीकार कर लिया, ले जाओ। पहले साल वहीं पे रखा अपने पास, एक संतान हुआ, जैसे ही हुआ देवकी उन बच्चे को प्रेम करना चाहती है, वसुदेव महाराज बोलते हैं नहीं,
आसक्ति होगा, दुख होगा, प्रेम होगा, इसको ले करके जाओ, ले जा करके कंस को दे दो, वो हैरान रह गया। सदविचार और सत्संग, इसका एक अलग प्रभाव होता है जीवन के अंदर। जो दे दिया तो कंस ने कहा कि मुझे इससे डर नहीं है, क्योंकि दिल पिघल गया, दे दिया ले जाओ। आठवां गर्व है, नारद जी महाराज वहां पर पहुंच गए। नारद जी ने आकर कंस को समझा दिया कि भैया ये सब देवताओं का खेल है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये फूल में कौन सा पहला कौन सा आठवा बता दो तुम मुझे। वो इधर से गिने उधर से गिने, एक सब एक ही है, वो ठीक नहीं है। साथ साथ उठाया बच्चे को और इन दोनों को कारागार में डाल दिया, छह बच्चों को मार डाला। अब सातवां कर्म जब देवकी ने धारण किया, सप्तम कर्म जिस समय देवकी ने धारण किया, कंस देख रहे हैं कि ये पहले जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत अंश जब जीव के अंदर प्रवेश करता है, भगवत अंश किसी स्थान में प्रवेश करता है, वहां का अवतार, वहां का वातावरण पूर्णतः बदल जाता है। ये विशेषता है, वहां का वातावरण, वहां की परिस्थिति, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो देवकी जिनका मुखारविंद एकदम उदास अवस्था में था, अभी एक अलग तरह का तेज उनके शरीर से दर्शन हो रहा है। किसके प्रभाव से? बलदेव के प्रभाव से, उनके प्रभाव से। अब कंस डरने लगा कि ये क्या हो गया, ये पहले तो ऐसा हुआ नहीं, अब क्या करें। लेकिन बलदेव जी का स्वयं इच्छा हुआ है कि वो रोहिणी के गर्भ से जन्म ले। बलदेव जी का इच्छा हुआ, भगवान का भी इच्छा हुआ, तो फिर क्या किया, योग माया के माध्यम से गर्भ को इसमें से आकर्षित करके, देवकी के गर्भ से। वो लोगों ने क्या किया, योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब रोहिणी देख रही है कि ये क्या हो गया। तो गर्भ जो होता है धीरे 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 एक स्वरूप लेता है। रोहिणी ने देख लिया कि एक बड़ा अजीब सा अचानक कैसे कैसे हो सकता है। अब माता रोहिणी चिंतित भी हो गई, लेकिन गर्गाचार्य ने उनको सांत्वना दिया, उनको निश्चिंत किया, और उसके बाद वो वहां पर आविर्भूत हुए गोकुल के अंदर। यहाँ पर लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया, देवकी माता देवकी का गर्भपात हो गया, इस प्रकार से चिंता करने लगे। लेकिन वहां रोहिणी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए बलदेव। ये क्योंकि अनंत देव है तो इसीलिए रोहिणी एक लीला के अंदर कश्यप ऋषि का वहां पर वो थी। कश्यप ऋषि की बहुत सारी वो हैं पत्नियां, उनमें से एक रूप में एक अंश में वो वहां पर थी, जो कि सर्प जाति की माता थी। तो इसीलिए बलदेव जी ने अनंत देव है इसीलिए उन्होंने इच्छा की वहां से मैं आऊंगा। तो जो वहां पर से बलदेव प्रकट हुए, बलदेव पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं, व्रज के अंदर बलदेव छठ मनाते हैं। छठ हो चाहे पूर्णिमा, बलदेव जी का आविर्भाव इस प्रकार से हुआ। होने के बाद गर्गाचार्य ने प्रणाम भी किया बलदेव को, और नाम क्या रखा, बलराम रखा। और संकर्षण योग माया के द्वारा आकर्षित करके इस गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसीलिए उनका नाम संकर्षण है और बलराम है। क्यों? ये अत्यंत बलशाली है। और राम किस लिए, जितने भी
ब्रजवासी हैं, जितने भी गोकुलवासी हैं, उन सबको आनंद देने वाले, उनके साथ विलास करने वाले, उनका उनके साथ रमन करने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम बलराम रखा। बाद में भगवान श्री कृष्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। और ये जो कृष्ण और ये जो बलराम है, ये मूल कृष्ण है, ये कृष्ण जो कि मूल है, और वो बलराम कौन है, वो मूल संकर्षण जो कि श्री कृष्ण का अपना स्वयं प्रकाश विग्रह है, मूल संकर्षण उसमें से निकला हुआ जो वो अवतार है, वही बलदेव। जो मूल संकर्षण का फिर जो संकर्षण उसमें से जो प्रकाशित हुआ, उस संकर्षण से निकला हुआ जो अवतार बलदेव का, वो वसुदेव कृष्ण के साथ में जाकर के कब जब दिखाई दिया अक्रूर जी, जब कृष्ण बलराम को ब्रज से लेकर के जाना चाहते थे, उस समय जब अक्रूर जमुना जी के जल के अंदर गोता लगा थे, जब स्नान करने के लिए देखते हैं अंदर, बलदेव और कृष्ण जमुना जी के जल में दिखाई देते हैं। ये क्या है, उठ करके देखते तो रथ के ऊपर दिखाई देते, फिर डुबकी लगा के देखते हैं पानी में दिखाई देते हैं। कृष्ण बलराम ने कुछ देखा था, वो जो कृष्ण के साथ में बलदेव, जो श्री कृष्ण का स्वयं प्रकाश है, वो हमेशा वहीं पर रहते हैं ब्रज के अंदर, और क्या करते हैं, श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं को पुष्ट करते रहते हैं, उनका यही काम है। इसीलिए श्री कृष्ण का सेवक और दायित्व यशोदा माता बलदेव के ही हाथ में देती थी कि तुमने देखना है कृष्ण को। अब वन में जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, खेल रहे होते, खेल लिया, उसके बाद बलदेव जी कृष्ण को बोलते हैं ले जाओ यहां, शासन के स्वरूप में लेटना पड़ता है। लेटने से पहले क्या करते हैं, ना केवल पत्ते, सुंदर सुंदर फूल पुष्प नरम नरम कोमल इत्यादि वन के सारी वस्तुओं को लेकर वहां पर सुंदर सा सजाते हैं, सजाकर कृष्ण को उस पर लिटाते हैं। कभी बलदेव अपने गोद में श्री कृष्ण का सर को रखकर पंखा कर रहे होते हैं स्वयं, कभी बलदेव श्री कृष्ण के चरण अपने गोद में रख के दबा रहे होते हैं। कृष्ण कहता है कि क्या कर क्या रहे हो, एक अलग तरह का माधुरी उस सेवा के अंदर है, एक अलग तरह का माधुरी उस सेवा के अंदर है। और इतने कृपालु हैं बलदेव, किसी को भी प्यार नहीं करते। बलदेव की ये विशेषता है, बलदेव कुछ भी त्याग नहीं करते, बलदेव सब कुछ सेवा में नियुक्त करते, कृष्ण सेवा में नियोजित करते। यहाँ तक कि कोई उनके अंदर दुर्गुणों को लेकर के भी उनके पास में जाता है, तब भी बलदेव कृपा करके उसके अंदर से वो अवगुण निकाल के बाहर फेंकते हैं। फेंक के क्या करते हैं, भक्ति दान करते हैं। फेंक के क्या दान करते हैं, प्रेम दान करते हैं। ये उनकी विशेषता। हमारे हृदय के अंदर जो अनर्थ भरे हुए हैं, हमारे हृदय के अंदर क्या अनर्थ है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपनी टीका के अंदर लिखते हैं, इस जगत का नाम, इस जगत का प्रतिष्ठा, इस जगत का भोग, इन सबकी लालसा, ये हमारे हृदय के अंदर असुर बन के बैठा हुआ है। कौन सा असुर, प्रलंब असुर,
प्रलंबासुर को श्री गुरु महाराज जी ने दशावतार के अंदर इसके बारे में उल्लेख किया। प्रलंबासुर कौन है? स्त्री लोलुपता। अगर स्त्री है तो पुरुष लोलुपता, मतलब आदमी ऐसा बिना अपने औरत का रह ही नहीं सकता, मरी जाएगा, और औरत ऐसा बिना अपने आदमी के रह नहीं सकती, मर जाएगा, प्राण संकट हो जाएगा। ये स्त्री लोलुपता, दिन में रात में सोते जाते उठते बैठते वही उसका ध्यान में रहता है बस। और इस संसार का भोग, और बोलते हैं इस जगत का लाभ पूजा प्रतिष्ठा, कि मेरा इस संसार में मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे लाभ होना चाहिए, लोग मुझे पूछना चाहिए, मेरा सेवा करना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर प्रलंबासुर बंद करके बैठा हुआ है, और ये किसी को भी मानता नहीं, ना भगवान को मानता है, ना ही भगवान के भक्तों को मानता है। लेकिन बलदेव ऐसे कृपालु हैं कि बलदेव क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना मुट्ठी का एक प्रहार करते हैं, वो खून का भवन करके वहां पर शेष हो जाता है। बलदेव ऐसे कृपालु हैं, यद्यपि हम लोग हमारा मंगल नहीं चाहते हैं, तब भी बलदेव ने इच्छा किया है तो बलदेव कृपा करके हमारा मंगल करके ही छोड़ते हैं। ये बलदेव जी की विशेषता है। श्री कृष्ण और बलदेव ने सारे सखा लोग मिलकर जैसे गोचारण के लिए जाते हैं तो मन के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं को करते रहते हैं, श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेलते रहते हैं, विलास करते रहते हैं, तरह तरह की लीलाएं ब्रज की। अब ये लोग खेल रहे, दो दल बन गया, उसमें से ये बलदेव क्या है, प्रलंबासुर और बलदेव एक तरफ हो गए। अब हार गया बलदेव, हार गया, लेकर के जाना है बलदेव, हार गया प्रलंबासुर, हार गया प्रलंबासुर, हार गया। अब जो हार गया वो जीतने वाले को कंधे पे लेकर के उसको जाना है। अब प्रलंबासुर हार गया, उसने बलदेव को ले लिया कि पहले इनको कर ले। भगवान के ऊपर आघात दुष्ट व्यक्ति कैसे करता है, भक्त के माध्यम से ही करता है, सबसे पहले भक्तों के ऊपर आक्रमण करता है। हिरण्यकश्यप भगवान के ऊपर आघात करने के लिए क्या किया, सबसे पहले भगवान के जितने भी भक्त हैं उनको मारना शुरू किया, पूजा बंद करो, पाठ बंद करो, माला बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, और करो क्या, मेरा पूजा करो। ये असुरों का ऐसा वृत्ति रहता है, वो लोग सबसे पहले इस संसार के अंदर भी आधुनिक संस्कार और सभ्यता के व्यक्ति भक्त लोगों को पागल समझते हैं, ये क्या है कि कलर के माला लेके घूमता रहता है, पागल आदमी है, ऐसे समझते हैं। वो सबसे पहले उनके ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि वो ऐसा है, उनको इस चीज के बारे में ना मालूम है, और उनके हृदय के अंदर ये सारी गंदगी भरा हुआ है। उनकी स्थिति बिल्कुल वैसा ही होता है जो खुद गटर में डूब के बाहर निकल के चल रहे होते हैं, और जहां से भी चल रहे नाक बंद के चल रहे होते हैं कि बहुत बदबू है, खुद नहा लो भाई पहले। ये उस तरह के लोग होते हैं। तो ये जो प्रलंबासुर, मारना तो ऐसा बोले कृष्ण को है, लेकिन बलदेव को पहले निपटा देते, अच्छी बात है। वो बलदेव जी को ले गया कंधे पे और जाने लगा दूर। बलदेव जी से क्या छिपने वाला है, बलदेव ने वहीं पे उसके सिर के ऊपर एक दे दिया प्रसाद, उसने खून का उल्टी की और खत्म हो गया।
श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर इसके विषय में लिखते हैं, हमारे अंदर की ये सारे अवगुण बलदेव की कृपा से चला जाता है। बलदेव का कृपा हमारे ऊपर किस तरह से प्रकाशित होता है? गुरु कृपा से प्रकाशित होता है। हमने बलदेव जी को कहाँ देखा? बलदेव जी का प्रकाश ही गुरुदेव है। इसीलिए हम रथ यात्रा में देखते हैं बलदेव जी का रथ आगे चलता है, बाद में सुभद्रा जी का चलता है, फिर उसके बाद जगन्नाथ जी का। क्यों? बलदेव वहां पर गुरु रूप में आगे चलकर कृपा कर रहे हैं, तब भक्ति जीवन में प्रादुर्भूत हो रही है। सुभद्रा जी भक्ति है, बलदेव कौन है? गुरु है। गुरुदेव आकर कृपा करके भक्ति का दान करते हैं, तब जगन्नाथ जी का आगमन होता है। और बलदेव किस तरह का भक्ति देते हैं? प्रेममय भक्ति। बलदेव का कृपा जब हुआ मतलब है कि प्रेम भक्ति प्राप्त हुआ और कुछ नहीं। और बलदेव भगवान के समस्त रसों के अंदर बलदेव जी का सेवा है, ये विशेषता है। बलदेव जी के कृपा से ही व्यक्ति भगवत प्रेम लाभ करता है। बलदेव जी के कृपा से ही व्यक्ति शांत भाव से भगवान का प्रेम को प्राप्त करता है। बलदेव के कृपा से ही व्यक्ति भगवान के प्रति दास भाव में प्रेम प्राप्त करता है, सेवा प्राप्त करता है। साख्य भाव में जो प्रेम वो बलदेव के कृपा से ही प्राप्त करता है। वात्सल्य रस का प्रेम भी बलदेव के कृपा से ही प्राप्त करता है। इसीलिए कृष्ण लीला से संबंधित समस्त जानकारी केवल मात्र बलदेव जी को है और किसी को भी नहीं। जब व्यक्ति मधुर रस में भगवान का सेवा प्राप्त करना चाहता है, वही बलदेव आनंद मंजरी के रूप में श्रीमती राधिका जी के अनुगत में ले जा करके उसको समर्पित कर देते हैं, फिर वो राधा रानी के दासत्व में चला जाता है। लेकिन वात्सल्य रस तक का जितना भी सेवा भगवान का किया जाता है, वो सब को दान करने वाले केवल मात्र स्वयं बलदेव हैं। इसलिए कृष्ण की हर लीला का जानकारी बलदेव जी को रहता है। आप देखेंगे वृंदावन के अंदर जब अगासुर को मार डाला था, मार करके जब ये लोग वापस आ गए तो अभी वन भोजन कर रहे हैं, मार के वहां पर वन भोजन कर रहे हैं बैठ के। ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने सोचा ये हो क्या रहा है, ये क्या सच में भगवान है? ये ब्रह्मा के मन में ये भाव आ गया। तो इसीलिए ब्रह्मा आके देखते हैं श्री कृष्ण उल्टे हाथ में भोजन कर रहे हैं, एक एक उंगली में एक एक तरह का आचार है, उसको ऐसे ऐसे चाट रहे हैं। भगवान कभी भी इस तरह की क्रियाओं को नहीं करते हैं क्योंकि वहां मर्यादा है। लेकिन यहाँ मर्यादा नहीं है, यहाँ तो आनंद है, रस है। उल्टे हाथ में खाना वो वैसे भी निषिद्ध कर रहे हैं। ब्रह्मा देख रहे हैं कि ये कर रहे हैं भगवान। भगवान को तो हर चीज का जानकारी है, वो इस तरह का काम क्यों करे? और देख रहे हैं उसके भी खा रहे हैं, इसका भी खा रहे हैं, इधर से भी खा रहे हैं, उधर से भी खा रहे हैं, झूठा मूठा खाते हैं, ये भी ठीक नहीं है, भगवान क्यों करेगा? जो भी ब्रह्मा अपने कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये भगवान नहीं है, फिर भी इसको शिक्षा देना जरूरी है। तो इसीलिए ब्रह्मा ने गोवंश को भी और उसके बाद सखाओं को सबको सुमेरु पर्वत के गुफा में जाता है। अब कृष्ण अपने रूप को प्रकाशित कर लिया वहां पर, इस तरह से रूप प्रकाशित किया कि जितने गोमाता के जो बच्चे हैं, जितने भी बछड़े हैं, बछिया हैं, उतने सारे रूप अपना बना लिया। जितने भी सखा हैं उन सबका भी रूप बना लिया, बना करके शाम को वापस लौट के जा रहे हैं।
जब आप उस रोड पे जा रहे हैं, सब अपने अपने घर चले गए, सब ठीक चल रहा है, लेकिन बलदेव जी को लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रोज हर माता प्रतीक्षा करती थी कृष्ण को देखने के लिए। उसके मन में ये नहीं है कि मेरा बेटा कृष्ण के साथ गया, वो लौट के आएगा। हाँ, वो देखती है कि कृष्ण कब आएगा और बहाना बना बना करके नंद भवन में जाने का कोशिश करती है। गाय भी जब गोदोहन का समय हो जाता है, इस तरह से जान करके देखती है कि कृष्ण आए तो हम दूध दे। लेकिन इस समय क्या होता है, जितने भी ग्वाल जितने भी गोप वो सब अपने बच्चों को लेकर के इतने ज्यादा प्रेम में डूबे रहते हैं कि वो लोग नंद भवन आते ही नहीं। और जितनी भी गोमाता है वो अपने बच्चियां अपने बछड़ों को देखकर अपने आप ही दूध का धार छोड़ देती है। जो पहले जाकर के कृष्ण को सामने रखना पड़ता था, अभी कृष्ण को जाने की जरूरत ही नहीं, बछड़ों को देखने के साथ ही दूध निकल जाता था। किसी को भी नहीं पता चला पूरा एक सांप ये लीला हुआ था, किसी को भी नहीं पता चला, सिर्फ और सिर्फ बलदेव जी को पता था। बलदेव जी ने देखा क्या हो क्या है, साथ साथ उनको पता चल गया कि सर्वत्र कृष्ण है, सब जगह पर कृष्ण है। इस लीला का दर्शन स्वयं बलदेव ने किया, समझ गए, और फिर उसी हिसाब से उन्होंने उस लीला को आगे किया। और ये पूरा एक साल चला। और जो व्यक्ति जितना भी पतित क्यों ना हो, उसको अंत तक भगवान की सेवा में किसी ना किसी प्रकार से लगाने का प्रयास रत अगर है, वो केवल बलदेव है, वो छोड़ते नहीं है। उसका उदाहरण दुर्योधन स्वयं है। दुर्योधन को बलदेव ने कभी भी नहीं त्यागा, कभी भी नहीं त्यागा। देश कौन लोगों ने त्याग दिया, लेकिन भगवान बलदेव ने दुर्योधन को कभी भी त्याग नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उसको हमेशा कृष्ण सेवा में ही लगाने का प्रयास किया, वो नहीं लगा। और देखने में लगता है कि दुर्योधन कृष्ण सेवा में लगा नहीं, लेकिन दुर्योधन कृष्ण सेवा में ही था। क्योंकि दुर्योधन जब इस जगत में अवतार लिया, दुर्योधन के जो नित्य स्वामी नित्य प्रभु बलदेव, उनका यही आदेश था कि तुम गांधारी के यहाँ पर जन्म लो और तुम इस प्रकार से ही कार्य करोगे। बलदेव ने परोक्ष रूप से दुर्योधन को भी कृष्ण सेवा में ही लगाया और ये भी दिखाया कि मैं उसका कभी भी त्याग नहीं किया करूंगा। इस तरह की लीलाएं बहुत सारी लीलाएं किया। श्री कृष्ण के पुत्र सांब जब दुर्योधन की जो पुत्री लक्ष्मणा के साथ विवाह करने की इच्छा से उसका हरण किया, वो लोग पकड़ लिए, तो अभी बलराम जी स्वयं जा करके बोलते मैं सब ठीक करता हूँ, चिंता नहीं करता, करो ठीक। जब बलराम जी वहां पर जाते हैं, दुर्योधन बड़ी खराब शब्दों में कहता है, तुम लोग ग्वाले हो, पैर का जूता सिर पे चढ़ना चाहता है। इससे क्रोधित होकर बलराम जी महाराज अपने हल से हस्तनापुर के एक कोने से उठाकर खींचना शुरू कर दिया। जो हस्तनापुर कैसा है ऐसा होने को आ गया, तो पितामह भीष्म द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र सब जाकर के बलदेव जी के चरण में गिरे। जैसे ही गिरे वैसे ही कृपा को ने क्षमा कर दिया। वैसे भी तो क्षमा कर, इतने सरलता इतने भुलापन उन्होंने प्रकाशित किया। इसीलिए वही बलदेव जी के भक्त हैं, महादेव अनंत के भक्त हैं, अनंत देव के भक्त हैं, शिवजी जो है अनंत देव के भक्त हैं,
इसीलिए शंकर जी के अंदर भी उनके इष्ट देव का, उनके प्रभु का वो गुण उनके अंदर भी है, इसीलिए वो आशुतोष है। वास्तविकता में बलदेव पूर्ण रूप से आशुतोष है, उनको तृप्त करना, उनको प्रसन्न करना सबसे आसान है। माता रेवती सतयुग की है, उनका उनका हृदय में था कि मैंने बलदेव से ही शादी करता, अनंत देव से शादी करता। वही अनंत देव पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में इस जगत के अंदर बलदेव के रूप में स्वयं प्रकाशित हुए हैं, तो उनसे शादी करना है। ब्रह्मा ने ऐसा निर्देश दिया। अब सतयुग की माता रेवती द्वापर युग के जो है बलदेव, इसीलिए हाइट मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि सतयुग में लोग 21 हाथ हुआ करते थे, उसके बाद त्रेता युग में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। अब शादी हो गया, सब देख रहे रेवती इतनी ऊंची है, बलदेव इतनी, तो बलदेव ने क्या किया, बिल्कुल उनका एक अलग मस्ती है। उन्होंने अपना हल रखा माता रोहिणी के सिर पे, खींच लिया नीचे, तो बिल्कुल उनके हिसाब से आ गई थी। उनके पास सब समय हल और मूसल दोनों ही रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं? हल, उनका नाम ही हलधर है। जयदेव गोस्वामी अपनी कृति में बोलते हैं हलधर रूपा, उनका हलधर स्वरूप उनका प्रकाशित है। किस लिए? भाई जब वो द्वारिका में है, अब क्षत्रिय लीला कर रहे हैं, तो वहां पर हल की क्या जरूरत है? वो जीव के हृदय को उपजाऊ बनाने के लिए है। हमारा हृदय पाषाण की तरह हो गया, एकदम जैसे खेत जम जाता है ना, फसल काटने के बाद खेत इतना मजबूत जम जाता है, तो वो करते क्या है, उसके ऊपर हल चलाते हैं। पहले आजकल ट्रैक्टर चलते हैं, पहले जो है बैल का हल चलता था, वो हल चला चला करके मिट्टी को निकालते हैं। ऐसे किस लिए? जब उसने बीज रोपण किया जाएगा तो वो फिर उग सकता, फिर उग सकता। इसी प्रकार से बलदेव जी हमारे हृदय जो कि अनंत काल से पाषाण होकर के बैठा हुआ है, क्योंकि हमें भगवान चाहिए ही नहीं। कृष्ण विमुखता के कारण हमारा हृदय पत्थर जैसा हो गया बिल्कुल। इसको अभी उठाने के लिए, इसको कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल बनाने के लिए बलदेव के बिना किसी और में सामर्थ्य नहीं है। वही बतलाने के लिए उसी का प्रतीक के रूप में वो हल, बलदेव का कृपा। और मूसल क्या है? जब आप खेत में हल चलाते हो, बड़े बड़े रोड़े निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, मिट्टी जम जाता, निकलता तो जरूर है। अभी क्या करते हैं, वो जो हल के पीछे बड़ा सा पत्ता सा रहता है ना, इतना मोटा सा भारी सा, वो उसमें गिरता है, उसके नीचे दबता है, 8-10 चक्कर जो लगाते लगाते वो क्या करते हैं, वो जो मूसल लेकर के उनको तोड़ते हैं। वो क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि चिंतन्ति सर्वसंशया। हमारे हृदय में जो हमने गांठ लगा के रखा हुआ है, मैं ये हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, ये सारी ग्रंथियाँ, ये सारी ग्रंथियों को तोड़ते हैं मूसल से। क्योंकि जो जितना भारी होता है, जो जितना भयंकर होता है, उसके ऊपर प्रहार करने वाला वस्तु उतना ही प्रभावशाली होना चाहिए, है ना? कोई हल्की चीज से नहीं होता, छोटे से पत्थर लेके ऐसे 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 करोगे नहीं होता, ये भयंकर चीज है,
उसके लिए बड़ा सा भयंकर प्रहार होना चाहिए, इसीलिए मूसल रख का खबर। ऐसा नहीं है कि उनको कसरत अच्छा लगता है, ये नहीं है कि वो ग्वाला है इसीलिए उसको याद करने के लिए रखते हैं, नहीं, वो जीव को बतलाने के लिए रखते हैं। कृष्ण सेवा के लिए जो व्यक्ति आना चाहता है उसके ऊपर तो मैं कृपा करता ही, लेकिन इस जगत के जीव जो कृष्ण उन्मुख नहीं होना चाहते हैं उनके ऊपर भी मैं कृपा करता हूँ, उनके हृदय को नरम बनाता हूँ। उसके बाद उसमें क्या डालते हैं, पानी दिया जाता है, वो क्या है, भगवान का गुणान कीर्तन। कौन करता है, बलदेव करते हैं, स्वयं बलदेव कीर्तन करते हैं। नारद घोष ने एक कीर्तन श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, उसके अंदर स्वयं बतलाते हैं, सहस्र बदने परम सुखे सहस्राना परम सुखे, वो बोलते परम सुख के साथ ये जो सहस्राना मतलब जिनका हजारों सिर है अनंत देव, क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं। वो जो कीर्तन क्या है, श्री चैतन्य चरितामृत में बतलाया, श्रवण कीर्तन जल ही कीर्तन वो है, वो जो जल है वो क्या है, वो श्रवण कीर्तन। इसीलिए भगवान का कीर्तन बलदेव ही दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, गुरुदेव दे रहे हैं। हमको कौन मंत्रोपदेश करता है, गुरुदेव करते हैं, गुरुदेव मंत्र दे रहे मतलब वही जल, उनका कृपा ही हल मूसल की तरह काम करता है, हमारे हृदय के अंदर के जो ग्रंथियां उसको छेदन करता है, तोड़ देता है, जो संशय है मन में कि मुझे भगवत प्राप्ति होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या भगवान है भी कि नहीं, इस तरह के जितने भी संशय है वो संशय का छेदन करते हैं, ग्रंथियों को तोड़ते हैं, संशय को छेदन करते हैं और हमारे हृदय को कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति का जो बीज उसको रोपण करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं वो स्वयं बलदेव जी करते हैं। किस रूप से करते हैं, गुरुदेव के रूप से करते हैं, लेकिन मूल कौन है, स्वयं बलदेव है, वही बलदेव हम लोगों को कृष्ण सेवा में नियुक्त करते हैं, वही बलदेव नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकाशित होकर हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियुक्त करते हैं। इसीलिए गुरुदेव कृपा करते हैं और हमें श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की कृपा प्रदान करते हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में चलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग श्री राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बलदेव जी को विशेष रूप से हमें स्मरण करना चाहिए, परम दयालु है, आज ग्रहण भी है इसीलिए बहुत लंबा समय नहीं है, 9:30 तक समाप्त करना है। और दूसरी बात, आज झूलन यात्रा का भी विश्राम है, आज का दिन श्रावण के अंदर वहाँ पर विशेष रूप से ब्रज में इस प्रकार का झूले का लीला चलता है, झूला क्योंकि बहुत अच्छा मौसम होता है, कहीं कोमल कोमल बादल होते हैं, कहीं पर हल्का हल्का बारिश का बूंद गिर रहा होता है ना, अच्छा अच्छा लगता है थोड़ा सा। आजकल प्रकृति विकृत हो गई है इसीलिए कब क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन वैसे होता ऐसा है। और इस मौसम के अंदर श्री राधा कृष्ण जब मध्यान्ह लीला के लिए राधा कुंड में आते हैं, कृष्ण गोचारण के बहाना निकल करके अपने सखाओं के साथ राधा कुंड आते हैं और श्रीमती राधिका सूर्य पूजा के बहाना कि मैं सूर्यदेव की पूजा करने के लिए जा रही हूँ ऐसे बहाना डालकर वो भी राधा कुंड आ जाते हैं, तो राधा कृष्ण का संगम में मिलन होता है, वहां पर दोनों मिलते हैं, उसके बाद तरह तरह की लीलाओं को करते हैं।
उस लीला के अंतर्गत ये समय जो है झूले का, वो लोग झूला झूलते होते हैं, उस झूले के लीला के अंदर कुछ ही विशेष भक्तों का स्थान होता है, कुछ ही विशेष सखियों का स्थान होता है। वो लोग उस लीला के अंदर रह के राधा कृष्ण का आनंद वर्णन करते होते हैं। हम लोगों को उस लीला का अनुकरण या अनुसरण दोनों ही करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण की उस उन्नत उज्ज्वल लीलाओं को वो करने का अधिकार केवल मात्र मधुर रस की चरम पधारी अवस्था में पहुंचे हुए जो भक्त होते हैं उन्हीं का वहां प्रवेश होता है। वहां पर शांतदास साक्ष्य वात्सल्य रस के जो भक्त होते हैं वो लोग राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों को हमारे परंपरा के आचार्यों ने एक विधि दी है कि आप लोग इस विधि से इसको मनाओ। क्यों? साधने ते भागिने जहा सिद्धि ते पाइवे तहा। साधन करते टाइम जिस चीज की अभिलाषा हमारे हृदय के अंदर तीव्र रूप से रहेगा कि मुझे ये प्राप्त करना है, उसका सिद्धि हमें लाभ हो सकता है। हम लोगों को प्राप्त क्या करना है? उस गोलोकपति गोविंद का श्री राधा जी के साथ में युक्त होकर के जो लीलाएं हैं उस लीला के अंदर नित्य काल के लिए प्रविष्ट होने की जो अभिलाषा ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। उसको अगर हमने पाना है तो हम लोगों को उस लीलाओं के संबंध में कुछ जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए हमारे अधिकार के अनुसार हमारे पूर्व आचार्यों ने जितनी मात्रा में उस लीलाओं को आचरण करने या चिंतन करने के लिए निर्देश दिया उतना हम लोग कर सकते हैं। वही हमारे परंपरा के हिसाब से ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये 5 दिन तक चलता है। इसके बीच में हम लोग भगवान श्री राधा गोविंद देव जी को झूले में रखकर उनका झूलन मनाते हैं और साथ ही संकीर्तन करते हैं। आज उसका भी इस वर्ष के लिए अंतिम दिन है, लेकिन भगवान का झूला नित्य है, भगवान का हर लीला नित्य है। उनका कोई ऐसी लीला नहीं है जो कि क्षणिक होता हो, उनका हर लीला नित्य होता है। उस नित्य लीला के अंदर, उस नित्य धाम के अंदर वो नित्य चलता है, लेकिन इस भौम जगत के अंदर, इस मायाबद्ध जगत के अंदर हम जीवों के सामने वो लीला का जो प्रकाश हुआ है वो सिर्फ आज का दिन इस वर्ष के लिए अंतिम दिन है। उस झूले को स्मरण करते हुए, बलदेव जी को स्मरण करते हुए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण नाम का आश्रय लेकर के हमें जीना चाहिए। इसी से हम लोगों का परम कल्याण होगा, परम मंगल होगा। हम लोग भी दशावतार स्तोत्र पाठ करेंगे, उसके बाद महामंत्र कीर्तन करके विश्राम करेंगे।